You too, 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 too. Good morning. Kita sogi. उठ जाओ, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया। जो 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 देखो कौन कौन देख रहा है तुमको, देखो। गुड मॉर्निंग। देखो सब लोग देख रहे हैं। उठ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फर्स्ट में मैं यहाँ पे टियारा दिखा रही, मतलब मांग टीका है, टियारा वाला मांग टीका। तो वो मैं यहाँ पे आप लोग को अभी दिखाने वाली हूँ। मेरी बेटी मोबाइल चला रही थी तो मैंने बोला कॉफी डाल दिया, भाग गया, फिर वो भाग गई। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। आपको, आपने इसको मीशो से मंगाया था? तो मीशो से मंगाया था मैं इस टियारा को। और बेल्ट भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया, बहुत अच्छा बेल्ट है, 180 रुपये में मिल गया था। और ये टियारा आई थिंक कितने का था, 120 रुपये में आपको मिला था ये टियारा। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लुक है, बहुत छोटी सी पार्टी वगैरह हो तो आप इसको पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। शादी का फंक्शन हो, किसी का वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह हो तो आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो उस टियारा को लगा के, बहुत अच्छा लुक आएगा। मैं इसका इमेज भी डाल दूँगी। ये देखिए किस तरीके के स्टोन्स हैं इसमें। और फाइव इसमें लड़ियाँ दी हुई है लगाने के लिए, दो आपकी साइड साइड से लगती है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। पलट नहीं रहा था, वो टूट टूट जा रहा था, इस तरीके का लुक था। मैंने उसको ठीक किया, तो मैंने क्रिएटिविटी दिखाया, मैंने उसका भुजिया बना लिया। तो भुजिया में डाला था इन्होंने मैगी मसाला, तो उसको फेंकना पड़ा। कृपया बेल्ट इसको मैंने नीचे लिया। और पोहा बनाई थी, तो पोहा मैंने बनाई थी, पोहा की रेसिपी मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चाय के लिए कभी भी चीनी नहीं है, और मैं चीनी ले लेती हूँ। नीचे यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने चीनी वगैरह डाल सब कुछ रखा हुआ है नीचे में। और कल बोर्ड देके आए थे, आप साइज भी दिए हुए थे अलग अलग अपने साइज के अकॉर्डिंग। वोट देना चाहिए, वोट देना बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का भी क्या बोलते, वोट देना चाहिए हमारा अधिकार है। ये बेल्ट लिया था मैंने। लकी चप्पल पहना बेटा, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। और लकी जी को हुआ बहुत ज्यादा बुखार, और वो बिना चप्पल के घूमते रहते हैं। कभी जल्दी जल्दी कुछ बना के खाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। टमाटर प्याज हरी मिर्च रखी है, और चूड़ा यहाँ पे भिगो दिया है। चूड़े को 5 मिनट के लिए भिगोने से छोड़ा था, मैंने सब कुछ डॉक्टर ने टमाटर हरी मिर्ची प्याज वगैरह कट कर दिया, और चूड़ा भी हमारा रेडी हो गया। डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन भर के ऐसे डाला, तो जैसे इंजेक्शन दबाया तो हल्का सा दबाया, फिर प्रेस में देने लग गए, बहुत तेज छटपटा देने लग गया था। फिर मेरे पूरा डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया कि धीरे से कीजिए, तो वो भी बोलने लग गया कि आपको पता है कि आपको पता था बच्चा छटपटा रहा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, धीरे से ही करना चाहिए ना। तो पूरा पानी लेके आए, फिर मैं उसको काफी देर लेके सोई थी, रोए जा रहा था, मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने कैसे भी फोन दे दिया अपना, फोन देने के बाद से ये लोग सारा दर्द तकलीफ भूल जाते हैं, तो मैंने फोन दे दिया था। तो फोन लेके काफी देर तक वो चुप था, फिर अभी तबीयत ठीक है उसकी। तो चलिए हम लोग चाय वाय पी लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और मेरा भी लुक अजीब हो रहा था, मेरी भी आवाज़ भी थोड़ी भारी भारी लग रही थी, आप लोगों की तबीयत मेरी भी खराब चल रही थी। अभी मेरा थोड़ा सा बेटर लुक चल रहा है, ये थोड़ी सी तस्वीर है बाबा। चलो मिलते हैं चाय वाय पी के। गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई मेरी गरम है। ये महिला मेरे घर में चोरी कर रही है। सरसों का तेल जब पूरा गर्म होता है, एक्चुअली सी इज माय बाबी, और ये मेरे घर से चीनी चुरा रही है। पहले हम मूंगफली यहाँ पे भून के निकाल लूँगी। आप अच्छी जगह पे हरी मटर वगैरह भी ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली थी, मूंगफली यहाँ पे भून गई है मेरी, भूनना था। आप ऐसे भी भून सकते हो विदाउट ऑयल। तो तेल गर्म हो गया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा ऐड किया है। जीरा जब पूरा जल जाए तो आप कोई चीज़ ऐड करनी है, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची जब आपकी अच्छे से लगा फ्राई हो जाए, उसमें प्याज ऐड करना है, प्याज को भी फ्राई करना है।
जब आपको लगे कि आपका प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, मतलब जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, ये देखिए प्याज हमारा भून चुका है अच्छे से, इसके बाद हमने टमाटर ऐड कर दिया है। और जब तक पूरा अच्छे से टमाटर में चल जाए तब तक आप कुछ नहीं चलाना है, देखती रहे फोन छीन लेना मेरे से, जितना आपने चूड़ा लिया उसके साथ अपना नमक ऐड कर लीजिए, हटाओ थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की है जो कि इससे कलर आ जाता है, इससे खाने का कलर अच्छा दिखने लग जाता है, इससे तीखापन नहीं आता, तो इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब आपका टमाटर ज़्यादा पक जाए उसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्ची ऐड करूँगी, काली मिर्ची का पाउडर, जो काली मिर्च होती है ब्लैक वाली गोल वाली उसका पाउडर। इसके अकॉर्डिंग आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डाल दी है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जब पूरा अच्छे से आपका टमाटर प्याज वगैरह आपस में मिक्स हो जाए, अच्छे से गल जाए, उसके बाद इसको इसमें आपको मूंगफली ऐड करनी है। ठीक है, अच्छे से मैं इसको चला ले रही हूँ, उसके बाद मैंने मूंगफली इसमें ऐड कर दी है और सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें चूड़ा जो आपने पानी से निकाल कर रखा था उसको ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। हरा धनिया तो आप ऊपर से हरा धनिया डाल के और धनिया का पत्ता जो होता है वो डाल के आप सर्व कर सकते हैं इसको। तो ये मेरा पकौड़ा है, 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाना है ताकि जो चूड़े का पानी था वो अच्छे से सूख जाए और चूड़ा थोड़ा सा मतलब टाइट सा हो जाए, क्योंकि नरम नरम कितने लोगों को पसंद नहीं आता, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये रेडी हो चुका है, मैं इसको प्लेट में निकाल के फिर आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये खाने के लिए रेडी हो चुका है, हरा धनिया आप अगर है तो डाल दीजिए, मेरे पास अभी ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने नहीं डाली यहाँ पर, ये रेडी हो गया, देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप ये खाने के लिए भी रेडी हो चुका है,
यहाँ पे पीहू को मैं रेडी कर दी थी, तो मैंने सोचा इसके बालों में कुछ अलग सा स्टाइल बनाया जाए। इस तरीके से मैंने मांग निकाल ली है इसके बालों में, और दोनों साइड से मैं यहाँ पे इसकी फ्रंट से बनाऊंगी। इसके लिए आपको फ्रंट से थोड़ा सा लेयर दे देना है, थ्री पार्ट में डिवाइड करना है। आपके बच्चियों की बाल इससे जैसे छोटे छोटे होंगे तो साइड साइड से निकल जाते हैं, हेयर स्टाइल उनको कर सकते हो। थोड़े थोड़े जैसे फ्रंट छोटी बनाते हो बस उसी तरीके से आपको पूरा ब्राइट रेडी करना है क्राउन एरिया। वो दिखा रही थी मैं कैसे कैसे बाल उठाने। तो आई होप आप लोग को ये वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करना अपनी बच्चियों पे। आप ये हेयर स्टाइल बच्चियों पे मतलब उनका जो वेस्टर्न लुक ड्रेस होता है उस पर बना सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। और कहीं लेके जा रहे हो पार्टी वगैरह में या फिर कहीं घूमने जा रहे हो तो इस तरीके से हेयर स्टाइल कर देते हो तो उनके बाल भी जल्दी ख़राब नहीं होते और बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, फिर आपको भी काफ़ी अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहते हो। तो इस तरीके से बना दिया और बैक के बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ पकड़ के बस रबड़ बैंड लगा देना है। ओके तो दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको कर लेना है हेयर स्टाइल। तो मैं इसको फ्रंट से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा लगभग हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो गया। बैक से ऐसा लुक आएगा, फ्रंट साइड से कुछ ऐसा लुक आएगा एंड फ्रंट से ऐसा लुक आएगा। तो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो मैंने पिक भी क्लिक की थी तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। तो ये देखिए मैंने पिक क्लिक किया था, यहाँ पे फोटो क्लिक कर लिए। तो गाइस चाय पी के हम लोग आ गए हैं और सबको मैंने चाय दे दी और इसी का तबीयत खराब था बहुत ज्यादा। तो लकी तुमको डॉक्टर सुई दिया तो क्या हुआ, क्यों होने लगी इतना ज्यादा? बहुत तेज दिया था, मेरे पापा उनका हाथ पकड़ लिए थे। तो आज मैंने बनाई थी अपनी बेटी की हेयर स्टाइल डबल चुटिया में, तो आपके पास भी छोटे बच्चे हैं और उनका हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो देख के बना लोगे। तो और आ जाई थी टियारा, मतलब टियारा एंड बेल्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था, तो आप वो वीडियो देख लेना, तो देख लोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, आप पहले पोहा बनाने को सीख लो, इन सब चीज़ का रिव्यू देख लो, उसके बाद मिलते हैं और चुटिया बनाने को भी सीख लो, फिर मिलते हैं। ओके देखिए मैं थोड़ी देर के बाद मैं कुछ बोल रहा हूँ। नाक में उंगली डालना गंदी बात नहीं, ये सब लोग देख रहे हैं। फिर क्या होता है लकी, हाथ धो क्या कि हम जो नेक्स्ट में हो रहे हैं कि जैसे कि आप लोग अपने लड़कियों का हेयर स्टाइल बना रहे हैं लकी, ट्यूशन तो कृपया इस तो कृपया ये लिखे ये लिखा हुआ पढ़े कि माय बेटीज हेयर स्टाइल। चलो बाय करो, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चुप। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया पूरा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मेरे बालों में कैसे मेरा मुंह बंद कर दिया था, है ना, कैसे इसका मुंह हो गया है तबीयत खराब की वजह से। फिर तो फिर ऐसा करूंगी मैं हेयर कट, आपको वीडियो तो उस चैनल पे मिलेगी प्रीति वाली। चैनल छोड़ो, पुराने वाले बेल्ट का क्या हाल हो गया था तेरे हस्बैंड के? सी ओ नो, देखिए पुराने वाले बेल्ट, नया बेल्ट मैंने मंगाया था तो नया बेल्ट के गए और ये तो पता नहीं बेल्ट कहाँ गया। नेक्स्ट मैंने एक हाई बन बनाया था तो वो भी वीडियो में ऐड किया ही था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो तो आपको ये हाई लर्न, बाय करो, अरे बाय। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, प्लीज सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका भी बेल्ट ऐसी और आपका भी बेल्ट ऐसे तोड़ देंगे। लाइक लाइक दिस करो, बाय बाय। अभी क्या है ये घड़ी बदल, कैमरे में कौन निकल दो, आओ जी भूत भूत नहीं, ये भूत दिया हमने बोट, वही तो वही। बाय।